आज मैं बना रही हूँ गार्लिक वाली रोटी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। और साथ में बनाऊंगी मैं इसके पंचफोरन वाले आलू, जो कि एक बहुत ही लाजवाब टेस्ट होता है। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं बनाना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरी दुनिया में। जी हाँ, मेरे चैनल मेरी दुनिया में। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं गार्लिक वाली रोटी बनाने की। तो इसके लिए हम ले लेंगे आटा। तो मैंने यहाँ 2 कटोरी आटा लिया है और उसमें मैंने छोटे कटोरी से, बस थोड़े से ही, आधे कटोरी के जितना मैंने सूजी लिया है। और यहाँ मैं डाल दूंगी चिली फ्लेक्स। आप चाहे तो हरी मिर्च भी यहाँ छोटे छोटे से बारीक से काट कर डाल सकते हैं। ओरिगेनो है और थोड़े से बेसिल, ये बिल्कुल दोनों ही ऑप्शनल हैं। और साथ में हमारा गार्लिक रहेगा। तो गार्लिक यहाँ मैं 9 से 10 है यहाँ पे गार्लिक्स के कलियाँ, और इनको मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो इन्हें ग्रेट कर लें या फिर बारीक से कूट लें या छोटे छोटे से काट लें। आप जैसे चाहें उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल गर्मी के दिनों में बहुत देर तक खड़े होकर रोटियाँ बनाना तो भाई बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। मन नहीं करता कि हम खड़े रहें किचन में चूल्हा के सामने। तो आप इस तरीके से लिक्विड वाला रोटी भी बना सकती हैं, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। बच्चों को स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ डाल लेंगे हम नमक। तो स्वाद अनुसार नमक डालिए और पानी डालकर हम इन्हें घोल लेंगे। हमें इसका लिक्विड तैयार करना है, हम डो नहीं बनाएंगे। तो है ना आसान, गूंद कर एक 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 रोटी आप पकाते रहिए। मतलब रोटी बनाते समय ऐसा होता है कि हटना ही नहीं वहाँ पे। और आप इसे बनाते बनाते आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, पूरा टाइम मिलता है। तो ये बनाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। और यहाँ मैं बनाऊँगी पंचफोरन वाले आलू। इसके साथ मैंने उसे सेट होने के लिए रख दिया है घोल कर। और यहाँ आलू को काट लूँगी मैं। तो इस तरीके से हमें बड़े बड़े पीसेस में आलू को काट लेने हैं, छोटे छोटे नहीं करने हैं। हमको इसका पंचफोरन वाला भुजिया बनाना है। हम इसमें मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि गर्मी में मसाला खाना भी आफत है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो जा रही है ये लगातार मसाला। तो इसलिए मैं आज सादा ही खाना बनाऊंगी नाश्ते में। तो ये देखिए तड़का है, तेज़पत्ता, लाल मिर्च, सरसों, अजवाइन, मंगरेल और मेथी, इन सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे तेल के अंदर। और इन्हें थोड़ा देर भून लेंगे ताकि हमारा जो जीरा है, सरसों है, मेथी है, अच्छे से चटक जाए। और इसके बाद जब ये अच्छे से चटक जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे आलू को। इसको बनाना मतलब बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही आसान है ये। मिला लेंगे और मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले। तो मसाले इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, इसमें सिर्फ फ़ौरन जो हमारा तड़का है वही है मेन। और इसमें चला जाएगा हल्दी और नमक और थोड़े से अमचूर पाउडर, ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डालिए या फिर आप स्किप कर सकते हैं अमचूर पाउडर को। और डालकर इन्हें मिलाते हुए और ढककर 10 मिनट के लिए पका लीजिए। बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो गर्मियों के लिए ये नाश्ता ना सबसे आसान है, झटपट से तैयार होने वाला है। तो जैसे आजकल गर्मी है ना, तो बस पेट के लिए भी ये सही है और हमारे गर्मी से बचने के लिए भी ये सही है। तो देखिए हमारा भुजिया तो बन चुका है और यहाँ मैं अब बनाऊंगी हमारा रोटी। तो ये बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं, थोड़े से गाढ़े हैं, तो मैं इनमें थोड़ा सा और पानी मिला दूंगी, आधे कप के जितना, बाकी ये परफेक्ट है। तो ये तैयार है और इधर मेरा पैन गरम हो गया है। इसमें डाल लेना है घी या ऑयल, आपको जो भी ठीक लगे आप डाल सकते हैं। और उसे ब्रश से फैला लीजिए या फिर चम्मच से, कपड़े से, जैसे भी हो फैला लीजिए। पैन को किसी भी टिश्यू पेपर या कपड़े से आप उसे, जो हमने घी या तेल लगाया है उसे हम थोड़ा साफ कर लेंगे ताकि वो तेल निकल जाए और बस चिकनाहट रहे। अब इसके ऊपर हम बैटर को डाल के चेक कर लेंगे हमारा पैन अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से ये गर्म हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये जो पहला हम डालते हैं ना, इसे अग्नि को देते हैं, फिर दूसरी रोटी गाय को। तो यहाँ मैंने पहली रोटी डाल दी है और इसे हमें ना कलछी को ना हल्के से चलाना है, डालने के बाद दबा दबा कर नहीं चलाना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो हल्के से बिल्कुल चलाइए और इसे छोड़ दीजिए। हम इसको तब तक नहीं पलटेंगे जब तक कि इसका ऊपर का जो सतह है पूरी तरीके से सूख ना जाए। तो देखिए धीरे धीरे से पूरे सूख रहे हैं, तो इन्हें ऐसे ही छोड़ देना है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे घी। तो थोड़े से साइड में डाल लीजिए और थोड़े से ऊपर डालकर और ब्रश से फैला लीजिए। अब इसको हम पलट लेंगे। तो यहाँ हमें पहले मीडियम लो फ्लेम रखना है, फिर जब हम पलट लेंगे उसके बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम दूसरे साइड से सेकेंगे। तो
तो देखिए दूसरे साइड से कितने अच्छे से सिक चुका है ये। और बस इसी तरीके से हमें दबा दबा कर थोड़ी देर तक दूसरे साइड को भी सेक लेना है। तो ये बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। तो बिल्कुल अब ये हमारे तैयार हो चुका है ये पहला रोटी। देखिए कितने अच्छे से सिक गया है दोनों तरफ से। अब इसे निकाल लेंगे। अब सेम प्रोसेस दूसरी रोटी के लिए भी, और हम दूसरी रोटी भी डाल देंगे। वापस से पैन को साफ करना है और दूसरी रोटी को भी हम ऐसे ही डाल लेंगे। फैला लेंगे लिक्विड को हल्के हाथों से और छोड़ देंगे तब तक जब तक कि इसका ऊपर का जो बेस है वो अच्छे से सूख ना जाए। तो यहाँ पहले मीडियम एकदम लो फ्लेम रहेगा और उसके बाद हम जब पलट लेंगे तो हाई फ्लेम कर देंगे। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। तो देखिए बिल्कुल सूख चुके हैं। तो हम वापस से इस पे ऑयल या घी जो भी हम लगा लेंगे और फिर इसे पलट लेंगे। तो यहाँ आपको मतलब रोटियों के जैसे ना खड़े हो के बनाने की एक जगह ज़रूरत नहीं है। आप एक तरफ से लो फ्लेम पर सेक रहे हैं तब तक आप दूसरा काम भी कर सकते हैं और आराम से मतलब एक साथ आप दो काम निपटा सकते हैं। आप रोटियां भी बना सकते हैं और दूसरा काम भी निपटा सकते हैं। यहाँ देखिए हमारी रोटियां कितने अच्छे से बन के तैयार हुई हैं। बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी है खाने में। तो एक बार आप लोग बनाकर इस रोटी को, गार्लिक वाली रोटी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट भी कर लीजिए। तो जब तक बनाएंगे नहीं इसका टेस्ट पता नहीं चलेगा। तो बनाना तो बहुत आसान है, तो एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो एक बार बनाइए। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में एक और रेसिपी के साथ।